नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैलेंज पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि वो प्रॉब्लम है आपके कैमरे का। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपके घर में बच्चे लोग होते हैं जो कि कैमरे का सेटिंग को छेड़छाड़ कर देते हैं। उस दौरान क्या होता है कि आपका नहीं तो कैमरे का फोटो क्लिक हो पाता है, ना ही वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार बच्चे लोग होते हैं जो कि कैमरे का सेटिंग है कि छेड़छाड़ कर देते हैं। इस वजह से आपका है जो कि कैमरा ढंग से काम नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में यही बताऊँगा किस तरह आप अपने कैमरे का खराब कैमरे को ठीक कर सकते हैं, वो भी सेटिंग के जरिए। फ्रेंड्स अदर एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिर्फ इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन घंटी को दबा दे। दोस्तों मैं इस चैनल पर एंड्रॉइड से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो प्लीज फ्रेंड्स आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते, आपको दिखाते हैं किस तरह अगर आपके कैमरे में प्रॉब्लम हो जाता है रियलमी 8 प्रो में तो किस तरह उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, आप अपने कैमरे का ओपन कर ले। यहाँ पे कैमरे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोने में सेटिंग वाला आइकॉन है। यहाँ पे ध्यान से आप देखें, यहाँ पे कोने में सेटिंग का आइकॉन है। इस सेटिंग वाले आइकॉन के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आप सीधे नीचे जाइएगा फ्रेंड्स, एकदम पूरा का पूरा नीचे जाइएगा। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड, रीस्टोर डिफॉल्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट है को इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। रीस्टोर डिफॉल्ट सिस्टम, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे आप इसको क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दिए फ्रेंड्स, उसके बाद है क्या, आपके फ़ोन के कैमरे में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा आएगा फ्रेंड्स तो आपको जितना भी सेटिंग है जो कि यहाँ पे रीसेट हो जाएगा फ्रेंड्स। आपके कैमरे के में जो भी इमेज वगैरह खींचने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर रीस्टोर डिफ़ॉल्ट पे कर दोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर मान के चले इस सेटिंग से भी नहीं कुछ हुआ तो सीधा आप यहाँ पर से बैक जाए। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर और भी पूरा बैक चले जाएं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आना होगा सेटिंग में। देखिए सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऐप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे आपको आना होगा। ऐप मैनेजमेंट पे देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैं ऐप मैनेजमेंट पे आया, उसके बाद यहाँ पे देखें ऐप लिस्ट है, ऐप लिस्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं ऐप लिस्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके फोन में जितने भी इसमें जितने भी आपका एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ सारा का सारा यहाँ पे शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सारा का सारा शो कर रहा है। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कैमरे का, तो कैमरे वाले आइकॉन पे आपको जाना होगा। देखिए मैं कैमरे वाले आइकॉन पे गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहीं पे आप ध्यान दें, इस सेटिंग को आप कर लेंगे तो आपको 110% है कि जो कि कैमरा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोरेज यूजेस है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्लियर डाटा है, इसको आप क्लियर कर दें। यहाँ पे क्लियर डाटा पे करके इसके बाद देखें यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हो गया, खत्म हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको मैं क्लियर डाटा पे गया तो मेरा सारा का सारा हो गया खत्म, या फिर आपको क्लियर कैच पे भी अगर यहाँ पे शो कर रहा है, आपको ध्यान से आप देखें यहाँ पे ब्लर हो रहा है। मान कर चलिए आपका क्लियर कैच भी हो जाता है तो क्लियर कैच का भी ऑप्शन अगर आपको नज़र आ रहा है तो उसको ऊपर भी क्लियर कैच आप कर दें फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्लियर कैच का ऑप्शन यहाँ पे आप वो भी मैं जैसे क्लियर डाटा किया तो यहाँ पे क्लियर कैच का ऑप्शन है जो कि खत्म हो गया। तो इस तरह आप आपका रियलमी फ़ोन में कैमरे का प्रॉब्लम हो तो इस तरह अपने कैमरे को सॉल्व कर सकते हैं। आपका सेटिंग है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो इसी तरह आप अपने कैमरे का सेटिंग को सुधार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।